स्वागत है आप सभी का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा तीसरा पार्ट चल रहा था। तीसरे पार्ट का अगला जो टॉपिक है वो है एक समान वेग। एक समान वेग जो है इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब कोई भी पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी एक ही दिशा में तय करता है तो उसे वस्तु की एक समान गति या वेग कहते हैं, या एक समान गति कहते हैं। इसको वेग की गति कहने एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण अगर अपन बात करें तो सरल रेखा में जो गति है, सरल रेखा में गति देखिए कि मान लीजिए कोई वस्तु है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक चलती है, तो यहाँ पर वो x1 दूरी पर है, यहाँ पर x2 दूरी पर, यहाँ t1 समय पे है, यहाँ t2 समय। समान समय अंतराल में समान दूरी समान दिशा में अगर कोई वस्तु चलती है तो उस गति को हम कहते हैं एक समान गति। ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ से गति देखे तो वेग आ जाएगा आपके पास, दूरी आ जाएगी x2 - x1 बटे समय आ जाएगा t2 - t1। ये आ गया आपके पास वेग या चाल। एक ही दिशा में चल रही है तो वेग आ गया आपके पास, तो यहाँ से पक्षांतर करें तो ये t इधर लेके आए तो x2 - x1 बराबर आपके पास आ जाएगा v into t2 - t1। यहाँ से x2 का मान देखें तो x2 बराबर आ जाएगा आपके पास x1 + v t2 - t1, और ये कहलाती है सरल रेखा के समीकरण। इसका मतलब गति किस में हो रही है, ये गणित में आप पढ़ेंगे, सरल रेखा का समीकरण है। इसका मतलब गति किस में हो रही है, किसी भी सरल रेखा में हो रही है, निश्चित दिशा में निश्चित समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है। ठीक है, तो भाई ग्राफ देखें इसका एक समान गति के लिए, विस्थापन और वेग का ग्राफ, विस्थापन और समय का ग्राफ देखते हैं। तो विस्थापन और समय का ग्राफ किस तरह का आएगा देखते हैं। तो भाई विस्थापन और समय का ग्राफ देते तो सबसे पहले अपन एक xy निर्देश तंत्र बना लिया। ये xy आपका निर्देश तंत्र है। xy निर्देश तंत्र में यहाँ पे जो आपके पास इधर तो है समय, x अक्ष पर समय ले लिया, और इधर है आपके पास दूरी। तो ये जो ग्राफ हमें मिला है ये समय और दूरी का एक समान गति के लिए ग्राफ आया है। तो इसके किसी दो बिंदुओं पर, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये m बिंदु है और ये आपका n बिंदु है। यहाँ पर हम वेग याद करें तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर दूरी कितनी आ रही है ये, और यहाँ पे समय आ रहा है, और इसके लिए समय देखें तो आ रहा है ये, और इसके लिए दूरी आ रही है ये दूरी x1 मान लेते हैं, ये दूरी x2, ये समय t1 मान लेते हैं, ये t2। ठीक है, तो भाई ग्राफ का ढाल याद करें तो ढाल आएगा tan, ढाल किसको बोलते हैं, tan थीटा को, तो ढाल आएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, इसको नाम दे देते हैं MNO और ये P दे देते हैं MNP। ये कौन थीटा मान लेते हैं कि ये जो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है थीटा, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये तो आ जाएगी x2 - x1, ये दूरी दोनों का अंतर, ये कितनी आएगी t2 - t1, तो tan थीटा होगा लंब बटे आधार, ये आ जाएगा x2 - x1 / t2 - t1। ठीक है,
इसका मतलब रेखा का जो ढाल आ रहा है वो tan थीटा है और इसका मान आ रहा है x2 minus x1 बटे t2 minus t1 और यही कहलाता है आपका वेग। इसका मतलब जो tan थीटा जो आपके पास ग्राफ का ढाल आ रहा है वो वेग को व्यक्त करेगा। इसका मतलब समय और दूरी का जो ग्राफ है वो किसको व्यक्त कर रहा है? वेग को। और ये वेग कैसा है? एक समान वेग। ठीक है, वेग और समय में ग्राफ देखिए, तो वेग और समय का ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा हम ग्राफ देखते हैं वेग और समय में, तो एक्स अक्ष पे ले लेते हैं समय और यहाँ ले लेते हैं वेग वाई एक्स पर। तो ग्राफ मिलता है आपको इस तरह से। इसका मतलब इस बिंदु पर ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष है। इस बिंदु से जिस भी बिंदु पर आप देखें ग्राफ में, सभी बिंदुओं पर वेग का मान समान है, लेकिन सभी पर समय का मान अलग अलग आ रहा है। इस बिंदु पर अलग आ रहा है, इस पर अलग आ रहा है, इस पर अलग आ रहा है, इस पर अलग आ रहा है। एक समान गति का मतलब वेग का मान समान रहता है, तो इस तरह का ग्राफ आता है, जबकि समय अलग अलग है सबके लिए। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया आपके पास जो एक समान गति के लिए वेग और समय में ग्राफ। ये समय है और इधर वेग। ठीक है, ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान गति, जिसमें समान समांतराल में समान दूरी समान दिशा में कोई भी पिंड या वस्तु ट्रैवल करती है, गति करती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान गति। ठीक है, ग्राफ याद रखना है समय और विस्थापन की जो दूरी है उसका ग्राफ इस तरह का आएगा और यहाँ पर जो ग्राफ का ढाल है वो वेग को व्यक्त करेगा और ये वेग और समय में ग्राफ है, ये इस तरह से एक समान वेग प्राप्त कर रहा है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा स्टेटमेंट। इसके सभी बिंदुओं पर वेग का मान क्या है? समान, इसीलिए तो एक समान गति है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।